अमित शाह की रैली को लेकर पंडाल हचकर हुआ तैयार। डिप्टी कमिश्नर की निगरानी में भारी संख्या में रैली स्थल पर पुलिस बल और सुरक्षा कर्मियों ने डॉग स्क्वाड की मदद से स्टेज और पंडाल का लिया जायजा। फरीदाबाद में कल होने वाली गृह मंत्री अमित शाह की रैली को लेकर आज भारी संख्या में रैली स्थल पर पुलिस बल और सुरक्षा कर्मियों ने डॉग स्क्वाड की मदद से स्टेज और पंडाल का जायजा लिया। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर उम्मीद जिले के तमाम आला अधिकारी रैली स्थल पर मौजूद रहे और पुख्ता प्रबंधों के अलावा रैली में आने वाले आम लोगों और बीआईपी के लिए रूट प्लान फाइनल किया गया। तस्वीरों में दिखाई दे रहा ये रैली स्थल का नजारा है, जब तमाम तैयारियां फाइनल कर दी गई हैं। सुरक्षा के लिहाज से रैली स्थल पर पुलिस बल और सुरक्षा कर्मियों ने डॉग स्क्वाड की मदद से स्टेज और पंडाल का जायजा लिया। जिले के तमाम आला अधिकारियों के साथ मौजूद डिप्टी कमिश्नर विक्रम यादव ने बताया है कि कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रैली को संबोधित करने आ रहे हैं, जिसके लिए तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और साथ ही तमाम व्यवस्थाएं भी फाइनल हो गई हैं। उन्होंने बताया है कि सूरजकुंड में आयोजित होने वाले 2 दिवसीय चिंतन शिविर की भी तैयारियां फाइनल कर दी गई हैं। डिप्टी कमिश्नर ने बताया है कि सुरक्षा के तमाम पुख्ता प्रबंध कर लिए गए हैं और ट्रैफिक रूट प्लान के अलावा रैली में आने वाले लोगों और बीआईपी के लिए 2 अलग-अलग रास्ते बनाए गए हैं। खासकर रैली में आने वाले आम लोगों को कोई परेशानी ना हो, इसके लिए विशेष व्यवस्था भी की गई है। सर, गृह मंत्री अमित शाह आ रहे हैं 27 तारीख को, किस तरह की तैयारियां हैं? तैयारियां पूरी हैं। गृह मंत्री केंद्रीय सरकार यहाँ पे आ रहे हैं, कुछ इनोग्रेशन है तो उसके बाद में चिंतन शिविर है, तो सभी की तैयारियाँ हमारी पूरी है। अगर हम सुरक्षा की बात करें तो किस तरह की सुरक्षा है? सुरक्षा के लिहाज से भी सारी तैयारियाँ हमारी पूरी है, तो इसमें लोगों के आने का अलग रास्ता है, वीआईपी के आने का अलग रास्ता है, पूरी व्यवस्था सही से करवा दी गई है। कैसे यहाँ तक लोग पहुँचेंगे, क्या कुछ व्यवस्था, ट्रैफिक व्यवस्था क्या? ट्रैफिक की व्यवस्था ऐसी की गई है, जो सेक्टर 12 और 10 वाली डिवाइडिंग रोड है वहाँ से बसेज आएंगी और पीछे हुड्डा ऑफिस के सामने डीबोर्ड होके पार्किंग में चले जाएंगे, वहाँ से तो वहाँ से लोग पीछे रैली के स्थान पे आ जाएंगे। जैसे 27 और 28 तारीख को जैसे भारी वाहनों को प्रतिबंध लगाया हुआ है, तो आम लोगों की सुविधा के लिए किस तरह से रूट डाइवर्ट किए गए हैं सर? तो आम लोगों की सुविधा के लिए वो रूट प्लान भी दिया गया है, तो उसमें लोगों को कम से कम असुविधा हो इसके पूरा ख्याल रखा गया है, और साथ ही जो यहाँ पे रैली में भी आ रहे हैं उनकी भी सुविधा का पूरा ख्याल रखा गया है। कितने लोग सर इसमें जुटने की उम्मीद है, कितने जो है कितना क्षमता लगभग है यहाँ पर व्यवस्था हो पाएगी? करीब हमने तो मैक्सिमम लोगों की व्यवस्था करी है, जितने भी लोग आएंगे पूरे फरीदाबाद से भी और पलवल से भी हमने सभी की व्यवस्था करी है। वधु वेडिंग प्लाजा जो आपके लिए लाया है बेहतरीन डिजाइन के कलेक्शन, जहां आपको मिलेंगे डिजाइनर लहंगे, साड़ियां एंड वेस्टर्न आउटफिट्स जैसे पार्टी वियर साड़ियां एंड ड्रेसेस, कोलकाता की मशहूर डिजाइनर साड़ियां, बनारस की मशहूर बनारसी साड़ियां अब आपके लिए मथुरा में ही उपलब्ध हैं। बस आपको बढ़ाना है एक कदम जो जाता है वधु वेडिंग प्लाजा की तरफ, तो आज ही आए वधु वेडिंग प्लाजा और अपने त्योहार को बनाए और भी खास। वधु वेडिंग प्लाजा, कृष्णा नगर, मथुरा।